Hi students, welcome to OMTEC's classes. इस वीडियो में हम करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस ये ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव्स में मोस्टली अगर आपको ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं तो इसका आंसर आप लिख सकते हो. ओके चलो देखते हैं. फर्स्ट वन, सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज. मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम से यानी कि जॉब से मुझे सिक्योरिटी मिला फिर मैं क्यों इफेक्ट होने का. एक्चुअली आंसर आना चाहिए इनसिक्योरिटी. सो इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज. हाँ स्टूडेंट, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी में मैं लगातार काम करूंगा और मुझे सैलरी मिलते जाएगा, कंपनी भी अच्छा है, तो मैं तो सिक्योर हो जाऊंगा. फिर कंपनी के लिए ज्यादा एफिशिएंसी से मैं काम करूंगा. सपोज मैं दूसरा कंपनी में ज्वाइन किया और वहां पर मुझे लग रहा है कि ये कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा या ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगा, फिर मैं तो इनसिक्योर हो जाऊंगा, फिर वहां पर मेरे एफिशिएंसी कम हो जाता है. सो इनसिक्योरिटी के वजह से एफिशिएंसी कम हो जाता है काम करने में और सिक्योरिटी के वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगा. ओके नेक्स्ट वन, स्पिरिट डी कॉर्प्स मींस डिविजन इज स्ट्रेंथ. डिविजन नहीं है एक्चुअली, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. ओके ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट मतलब हमसे नीचे रहने वाला, हमसे नीचे रहने वाले से ऑर्डर नहीं मिलने का, हमसे जो ऊपर रहेंगे ऊपर लेवल में यानी कि सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए. तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट निकल के आपको लिखना पड़ेगा सुपीरियर. डिसेंट्रलाइजेशन मींस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज एट अ स्पेसिफिक पोजीशन. स्टूडेंट डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइज नहीं करना, एक साथ नहीं लाना, वो तो अलग अलग करना. एक्चुअली यहाँ पर आंसर आना चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही पर्सन पे सब कुछ दे देना. तो यहाँ पर आंसर सेंट्रलाइजेशन मींस द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब लाना एक जगह पे ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, यानी कि एक पर्सन के ऊपर एक पोजीशन में सब कुछ ला देना. ये सेंट्रलाइजेशन होता है, नॉट डिसेंट्रलाइजेशन. ओके मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन. एक्चुअली मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन. ओके तो इससे हमारा करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस ये ऑब्जेक्टिव्स खत्म हुआ स्टूडेंट. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वन देखेंगे.